हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BFT फैमिली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करेंगे इंग्लैंड वुमेंस वर्सेस इंडिया वुमेंस के बीच में जो फाइनल मैच होने वाला है आज लॉर्ड्स पर। ये गाइस स्पेशल मैच इसलिए होगा बिकॉज झूलन गोस्वामी जी जो हैं हमारी, उनका आखिरी मैच है ये। बात करें गाइस इस मैच की तो इसमें वीडियो में आपको काफ़ी सारी वैल्यू मिलेगी जिससे आप आज आसानी से ग्राइंडिंग में अच्छा खासा कर सकते हो। कुछ अपने ऑब्जर्वेशन बताऊँगा लास्ट मैच को लेकर और जो है जो रीसेंट फॉर्म वगैरह है वो भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखो इस मैच में गाइज़ आज के दिन सबसे पहले तो गाइज़ आपके पास एक गिव अवे है टोटल 5000 का, जिसमें आप 3 टीम फ्री में ऐड कर सकते हो। हर रैंक में यहाँ पर प्राइस है, ठीक है, 49% टीम विनिंग है। इसको गाइज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना, इसकी लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी या मैं आपको इसके वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा, कमेंट में सबसे ऊपर लिंक दे दूंगा। तो ये गिव अवे ज़रूर ज्वाइन कर लेना इसी मैच में इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के, तो आप यहाँ पे अच्छा खासा विन कर सकते हो। फ्री में है तो अपना लक ट्राई कर सकते हो। दूसरा गाइज़ यहाँ पर आपको जो है ग्राइंड लीग्स अगर आपको खेलनी है तो आप ऐसे प्लेटफॉर्म पर खेलो जहाँ पर कम लोग हों, 500-700 लोग खेलते हों एक ग्राइंड लीग में और हज़ारों की विनिंग्स हो। तो आप यहाँ पर देखो 1 लाख की टोटल विनिंग है यहाँ पर रियल 11 के ऊपर, इसकी लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर दे दूंगा। फर्स्ट एंट्री आपको 33 रुपये की पड़ेगी पहली टीम, दूसरी टीम 29 की पड़ेगी, तीसरी 25 की, चौथी 15 की, यहाँ पे 9वीं टीम जो है आपकी 15 रुपये की पड़ेगी। तो मतलब हर टीम पे आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर ऑफ हो रहा है। तो आप 10 टीम से खेलते हो, 11 से खेलते हो, 15 से खेलते हो तो आप यहाँ पर ट्राई करें, आपकी अच्छी खासी रैंक बनने के चांसेस हैं और अच्छा खासा हज़ारों में विनिंग्स के चांसेस हैं। बात करते हैं इस मैच की। सबसे पहले देखो मैच का टॉस होगा 3 बजे, लॉर्ड्स का वेन्यू है द होम ऑफ क्रिकेट। लास्ट मैच गाइस जो यहाँ पर हुआ था उसमें देखो 9 विकेट मिले थे पेसर्स को, 5 विकेट मिले थे स्पिनर्स को। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन रहे थे? राइट आर्म पेसर्स जो चेसिंग के टाइम पर ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे, कह सकते हो अगर फर्स्ट इनिंग में उन्हें 2 विकेट मिले पेसर्स को तो दूसरी इनिंग में सेकेंड इनिंग में 8 विकेट मिले हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर, उसके बाद लेग स्पिनर। बात करें हेड टू हेड की, जब दोनों टीमें आपस में खेलती हैं तो ये 2 मैचेस मिला लें तो इंडिया का 7 हो चुका है, इंग्लैंड 5 बार जीती है। वेन्यू की बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर 1 बार खेला है लॉर्ड्स पर, हारी हैं, इंग्लैंड ने यहाँ पर खेला है और जीती हैं। बात करें स्क्वाड की तो आपके सामने आप सब जानते ही होंगे, अभी 2 सीरीज से मैं बताता आ रहा हूँ। इंग्लैंड का स्क्वाड आप देख सकते हो। बात करते हैं प्लेइंग 11 की, तो यहाँ से इंग्लैंड की तरफ से MLM, टैमी ब्यूमॉन्ट, सोफिया डंकली, एलिसे कैप्सी, डैनी वेट, एमी जोन्स, ADR, सोफिया क्लिस्टन, चार्ली डीन, केट क्रॉस, इसी वॉन्ग या लॉरेन बेल में से कोई एक खेलेगा। बात करें यहाँ से इंडिया की तो वंदना वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकर, स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, राजेश्वरी गायकवाड़, मेघना सिंह या तो राजेश्वरी गायकवाड़, सॉरी मेघना सिंह या तो रेणुका सिंह, इन दोनों में से कोई खेलेगा। या मुझे तो लग रहा है आज के मैच में सिमरन दिल बहादुर को खिला लेना चाहिए बिकॉज वो अभी तक क्या कर रही हैं यार। अगर आप प्लेयर को लेके आ रहे हो, आगे हमारा इतना कोई वैसा शेड्यूल तो है नहीं, तो आज के मैच में सिमरन दिल बहादुर को खिलाओ, सीरीज तो आप जीत ही चुके हो। सेम यहाँ से गाइस यास्तिका को आज बैठाओ, तानिया भाटिया को खिलाओ, प्लेयर को चांसेस मिलने चाहिए यार, क्यों लाते हो आप उनको टूर्स पर। बात करेंगे यहाँ से गाइस इंडिया का रिसेंट फॉर्म ODIs में प्लस अगेंस्ट ईच अदर, तो ये गाइस मैं आपको 2 वीडियोस से पढ़ के बता रहा हूँ, तो आज की वीडियो में तो मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा। अभी लास्ट 2 मैच में क्या हुआ है आप सब जानते हो, ठीक है। पहले में मंदना ने स्कोरिंग की थी, दूसरे में हरमनप्रीत कौर ने अच्छी खासी स्कोरिंग की थी, हरलीन देओल ने स्कोरिंग की थी, इनकी तरफ से भी आप जानते हो डैनी वेट कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर ही रही है। विकेट में ये है कि इतने ज़्यादा विकेट नहीं ले पा रहे हैं ये लोग, 1-1 ही विकेट तक सीमित हैं इनके बॉलर्स इंग्लैंड के, लेकिन आज के मैच में हो सकता है एक अच्छा हमें मुकाबला मिले, क्योंकि मुझे लग रहा है आज के मैच में इंग्लैंड जो है बॉलिंग से अच्छा करेगा और बैटिंग से तो फिर उनको करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर इंग्लैंड पहले बॉल करता है तो इंग्लैंड बॉलिंग से अच्छा करेगा। बाकी इंडिया के लिए तो देखो पूरा फन मैच है बिकॉज झूलन जी का लास्ट मैच है, तो इंडिया उसको इस तरीके से खेलेगा और अच्छा हुआ इंडिया पहले ही सीरीज जीत गया तो आज कोई प्रेशर नहीं रहेगा जैसा स्मृति मंदाना ने बोला है। बात करेंगे इस वेन्यू की, तो इस वेन्यू पर देख लो लॉर्ड्स के ऊपर जब खेलते हैं इंडिया के लिए, हरमनप्रीत कौर ने यहाँ पर 51 किया है दूसरी पारी में, वंदना ने 0 किया दूसरी पारी में, दीप्ति शर्मा ने विकेटलेस कहीं पहली पारी में, दूसरी पारी में 14 रन किए हैं। बात करते हैं यहाँ से गाइस राजेश्वरी गायकवाड़ की, तो 1 विकेट है इनका पहली पारी में। झूलन गोस्वामी जी का यहाँ पर 3 विकेट हैं पहली पारी में। यहाँ से टैमी ब्यूमॉन्ट ने पहली पारी में 23 रन किया है और इनकी तरफ से इंग्लैंड की तरफ से और किसी ने यहाँ पर इतना खेला नहीं है, मतलब खेला तो है इन्होंने फ्रेंचाइजी क्रिकेट वगैरह खेला है, हंड्रेड्स वगैरह खेला है, लेकिन इस फॉर्मेट में ODI फॉर्मेट में अभी तक नहीं खेला है, ना ही इंटरनेशनल मैच खेला है कि कंट्री के लिए अपने खेला हो, तो वो फॉर्म आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अदर देन दैट आप फॉर्म तो प्लेयर का जानते ही हो कौन किस लेवल का है। लास्ट मैच
लास्ट मैच हमारी कैप्टन थी चार्ली डीन, बॉलिंग से करके गई, बैटिंग से करके गई। वाइस कैप्टन दो मैच से दिक्कत हो रही है यहाँ पर MLM, और वही दिक्कत इंग्लैंड को भी सता रही है कि इनकी जो स्टार प्लेयर हैं MLM इतना अच्छा करना जानती हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों से। देखो मैंने पहले ही बोल दिया था दोनों मैच की कि इतने सारे ऑप्शन हैं इंग्लैंड के पास, MLM दो ओवर से ज़्यादा नहीं कराएंगी, तो वही हुआ दोनों ही मैच में एक ओवर दो ओवर इन्होंने कराए हैं। तो आज भी हो सकता है भाई, जब ऑप्शंस आपके सारे इतने सारे हैं आपके पास तो आप किससे बॉलिंग कराओगे, तो वही दिक्कत है। लेकिन यार MLM बड़े मैच की प्लेयर हैं, लंबी नॉक खेलने वाली प्लेयर है, पता नहीं दो मैच से क्यों अटक रही हैं, आज के मैच में देखते हैं कैसा क्या सीन रहता है। तो वाइस कैप्टन यही थी हमारी दोनों मैचों में, कैप्टन पहले में दूसरे में वाइस कैप्टन, यहाँ से लोगों की सोफिया क्लिस्टन कैप्टन थी। बात करते हैं तो कुछ अच्छे ऑप्शन आज के मैच में आपके लिए रहेंगे। तो देखो एक ग्राइंडिंग टीम तो ज़रूर ऐसी बनाना, बिकॉज जूलन जी का लास्ट मैच है, तो मुझे लग रहा है आज के मैच में अच्छा करेंगे। और ओवरसीज़ उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है बड़ी बड़ी टीम्स के सामने। प्लेइंग 11 की तरफ देख लेते हैं यार, ये रहा हाँ। तो यहाँ से जूलन को एक टीम में कैप्टनसी ज़रूर देना, स्मॉल लीग में चाहो तो रिस्की के लिए वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। मंदरा को देना कैप्टन वाइस कैप्टनसी, ठीक है। यहाँ से कहीं स्कोर को आप फिर से दे सकते हो, बिकॉज जाहिर सी बात है कौर की बैटिंग तो आ ही जाएगी, बिकॉज शेफाली वर्मा या मंदरा में से कोई भी आउट होगा तो कौर आ जाएंगी। यहाँ से कहीं एक और अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहेंगे, अगर मेघना सिंह खेलती हैं तो उनको दे सकते हो वाइस कैप्टनसी, कैप्टनसी अपनी ग्रैंड लीग्स टीम में। यहाँ से कहीं इंग्लैंड की तरफ से देखो चार्ली डीन, मैं हमेशा कहता हूँ सोफिया क्लिस्टन चार्ली डीन दोनों ही बैटिंग कर लेती हैं, तो इनको आपका देने का एडवांटेज यही होता है कि 10 ओवर तो मिल ही रहे हैं, 8 से 10 ओवर, और अदरवाइज़ बैटिंग भी अगर कोलैप्स होते हैं तो बैटिंग भी कर लेते हैं। सेम यहाँ से एलिस कैप्सी का सीन है, कैप्सी ने लास्ट मैच पता नहीं मुझे कितने ओवर्स कराए थे, याद नहीं है। यहाँ से कहीं डेनी वेट भी बैटिंग से अच्छा कर रही है रिसेंटली, ब्यूमॉन्ट और लैम दोनों का सीन है अच्छा। अब देखो अब जब दोनों ही ओपनर्स आपके दो मैच से नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई आपके बाकी प्लेयर्स तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब ओपनर्स कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो आप उस टारगेट तक अपने पहुंचेंगे कैसे, तो वही इंग्लैंड की प्रॉब्लम है। हो सकता है आज के मैच में ब्यूमॉन्ट का 100 मैच है, ये याद रखिएगा, लॉर्ड्स के ऊपर है वो भी, बहुत स्पेशल मैच होगा टेमी ब्यूमॉन्ट के लिए। ग्रैंड लीग में का टीम में कैप्टन वाइस कैप्टनसी ज़रूर दे दीजिएगा। MLM को भी देना है, बहुत क्लास प्लेयर है लेकिन अभी तक इतना परफॉर्म नहीं करें। डंगली ने देखो काफ़ी बार इंडिया के अगेंस्ट अच्छा किया, लेकिन ये बस मुझे ये फॉर्मेट इसलिए अच्छा लगता है ODI फॉर्मेट, बिकॉज यहाँ पर बॉलर्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं, बैटर्स को ज़्यादा मौके मिलते हैं, बैटर्स अपना टाइम लेके भी सेट हो सकता है। अब कल के मैचेस में देखो क्या हुआ गाइस, जो WNCL के मैचेस थे, एलिसा पेरी ऑलमोस्ट 48 रन बॉल खा के कुछ 22-23 रन पे थी, लेकिन फिर जो उसके बाद उन्होंने टर्न लिया है वो 125 बॉल पे 100 प्लस उनकी हो चुके थे रन्स, सेंचुरी हो गई थी। तो मतलब ये होता है ODI जैसे फॉर्मेट में आपके पास टाइम होता है, सब कुछ होता है, तो यहाँ पर अच्छा स्कोप रहता है फैंटेसी के लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी। बाकी शॉर्ट फॉर्मेट T20 वाइट बॉल क्रिकेट जितना भी है इनमें तो यही रहता है कि भरोसा नहीं है भाई, कोई बॉलर अगर दो ओवर पिट गया तो फिर उसको बॉलिंग नहीं देंगे, यहाँ पर अगर 8 तक पिटेगा ना तो भी उसको 9 ओवर मिलने की उम्मीद है, तो यही फ़ायदा रहता है। बाकी देखो कैप्टन वाइस कैप्टनसी मैंने आपको बता दी है, मेरा मन कर रहा है आज के मैच में अपनी पर्सनल अगर राय दूँ तो मैं सोच रहा हूँ झूलन गोस्वामी को मैं अपना कैप्टन वाइस कैप्टन रखूँ स्मॉल लीग में, यहाँ से मैं इंडिया के एक बैटर को रखूँ कैप्टन वाइस कैप्टन, लेकिन वो मैच देख मतलब लाइनअप के बाद उल्टा भी हो सकता है। मैं यहाँ से सोफिया क्लिस्टन को भी रख सकता हूँ, बिकॉज देखो अभी दो मैच से एक एक विकेट से ज़्यादा इन्होंने नहीं लिया है, आज के मैच में हो सकता है सोफिया क्लिस्टन फंसा लें, बिकॉज क्या है इनका यही सीन है ये कमबैक बहुत अच्छा कर लेती है, ठीक है। तो हो सकता है आज के मैच में यहाँ पे सोफिया क्लिस्टन अच्छा खासा करें, और यहाँ से चार्ली डीन तो फिर एक है ही मेरी फेवरेट प्लेयर, अच्छी खासी ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो स्मॉल लीग में, ADR को कैप्टन दे दो अगर खेलती हैं आज के मैच में तो, बिकॉज ADR क्या है कैसी भी सिचुएशन हो लंबा खेलना जानती है, ठीक है, संभल के खेलना जानती है, और यहाँ से आपके बॉलिंग भी करके देंगी। तो ADR आपके लिए एलिसे डेविडसन रिचर्डसन जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन होने वाली है। बाकी ग्रैंड लीग में केट क्रॉस को बनाओ, वोंग खेलती है तो वोंग को ज़रूर बनाओ, क्योंकि वोंग की अभी तक इच्छा पूरी नहीं हुई है, उन्हें स्मृति मंदाना को आउट करना है, तो हो सकता है आज के मैच में अगर खेलें तो हमें ये क्लैश भी देखने को मिले। बाकी गाइस ये सोफिया क्लिस्टन स्मृति मंदाना है, ये एक दूसरे के अगेंस्ट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं, बहुत चैलेंजिंग लगता है इन दोनों को, तो देखते हैं इन दोनों का मैचअप आज के मैच में कैसा होता है। बाकी गाइस कुछ पूछना हो इस मैच से रिलेटेड तो आप यहाँ पर पूछ लेना। बाकी देखो जैसा मैंने बोला है एक टीम में झूलन गोस्वामी को, या मतलब एक से ज़्यादा टीम में अच्छे कॉम्बिनेशन में झूलन गोस्वामी को कैप्टन वाइस कैप्टनसी ज़रूर देना, बिकॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के मैच में इनसे 2 से 3 विकेट पक्का, मतलब एक प्लस तो मैं कर ही रहा हूँ, एक से ऊपर ही कर रहा हूँ, 2 या 3 विकेट झूलन गोस्वामी से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के मैच में, ठीक है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना।